Assalamu alaikum students, this is lecture number 23 and it's part 2 of the revision of some previous lectures. So as I told you in the previous lecture that some students requested me, many students requested me to give them revision of some very important lectures, so I have decided to do it. So first part was in lecture number 22, and the second part is in lecture number 23. So must watch this video. So here we go. I discontinued here in the previous lecture 23, and now lecture number 22, and now this is lecture number 23. So plagiarism, it is definitely a very serious crime in the academic world, in the field of education. There are many ways to do plagiarism, but what is plagiarism, by the way? So it is the act of using someone else's ideas, words, or thoughts as your own without giving credit to the other person. So, you know, normally students, or you'll find a large number of students who do plagiarism. Sometimes they do it deliberately, sometimes they don't do it deliberately. They don't do plagiarism, but it happens. तो ऐसा हो जाता है, वैसे वो इरादा तो नहीं करते लेकिन उनके साथ ऐसा हो जाता है. तो दे शुड नो अबाउट दिस व्हाट प्लेजरिज्म इज, सो दैट दे कैन स्टे सेफ फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ और एनी टाइप ऑफ प्लेजरिज्म. सो व्हेन यू गिव क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर, लाइक बाय गिविंग हिज नेम ऑफ द आर्टिकल एंड वेयर इट वॉज पोस्टेड और प्रिंटेड, सो यू आर साइटिंग द सोर्स, सो दिस इज राइट. प्लेजरिज्म इज व्हेन यू डू नॉट इंक्लूड दिस इंफॉर्मेशन इन योर पेपर. आपने पेपर या आपने कुछ लिखा उसमें आप इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते, सो दैट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म. इट मीन्स दैट यू वांट टू से दैट दिस इज माय फाइंडिंग एंड दिस इज माय वर्क, सो यू आर कॉपिंग फ्रॉम समवन एल्स आर्टिकल और फ्रॉम समवन एल्स पेपर एंड यू आर नॉट मेंशनिंग द सोर्स और हिज और हर नेम, नॉट गिविंग क्रेडिट टू दैट पर्सन, सो इट मीन्स दैट यू आर चीटिंग. सो देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ प्लेजरिज्म एज वेल, सच एज रीयूजिंग अ पेपर एंड हैविंग समवन एल्स राइट फॉर यू, किसी से कुछ लिखवाना या रीयूज करना. हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हेन यू आस्क समवन एल्स टू राइट फॉर यू एंड देन यू पब्लिश, गेट इट पब्लिश योर बाय योर नेम, सो दिस इज कॉल्ड प्लेजरिज्म. सिमिलरली प्लेजरिज्म आल्सो, इफ यू सी इन अ ब्रॉडर सेंस, यू कैन फाइंड दैट चीटिंग, यू नो, बाय एनी मीन्स इज आल्सो कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ प्लेजरिज्म. ओके, टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म, like direct plagiarism, mosaic or structure plagiarism. If you take something from somewhere else and you do not change anything else, it means you are committing direct plagiarism. Mosaic or structure plagiarism means you're copying structure, so there should be some changes. If you don't do this, then you're doing structure plagiarism. Self plagiarism, you're doing it yourself deliberately, or you are, you know, you have already mentioned the source which you have cited in your paper. आपने किसी चीज़ को mention किया और फिर उसके बाद दोबारा उसको आपने, मतलब ये कि उसी paper को आगे publish करवाना चाहा, तो ये self plagiarism कहलाता है. ठीक है, accidental plagiarism means you don't know about this plagiarism, आपको खुद नहीं पता है कि आप जो है plagiarism का शिकार हो रहे हैं. मिसाल वह आपने assignment बनाया, assignment के अंदर आपने चीज़ें जो हैं उधर उधर से copy करके डाली, अब आप सोच रहे हैं कि यार मैंने सही काम किया है. हालांकि आप कॉपी करें तो कॉपी का सोर्स बताएं कि कहां से आपने क्या चीज़ उठाई है, और इवन पेज नंबर भी बताया जाता है. अगर आप ये सब चीज़ें नहीं बताएंगे तो ये एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म में आएगा. इस तरह से असाइनमेंट बनाने के दौरान या जो है प्रेजेंटेशन के दौरान भी या इवन एग्ज़ाम्स में भी एग्ज़ाम्स में तो खैर यह ऑथरशिप का ज़्यादा नहीं होता, लेकिन असाइनमेंट में और प्रेजेंटेशन वगैरह में इसका मामला ज़्यादा होता है कि ऑथरशिप प्लेजरिज्म भी हो जाती है. ऑथरशिप मीन्स काम किसी और का है और उसे छपा कोई और रहा है, या काम किसी और का है और उसे क्लेम कोई और कर रहा है. सो दिस इज़ कॉल्ड ऑथरशिप प्लेजरिज्म. सो दिस इज़ अगेन अ वेरी सीरियस क्राइम. इसीलिए अगर कोई आपसे कहे कि यार मेरा ये काम कर दो और ये मार्क असाइनमेंट है, सो डोंट, यू कैन हेल्प दैट पर्सन बट डू नॉट राइट असाइनमेंट फॉर हिम और हर, और डू नॉट यू नो राइट एनी सॉर्ट ऑफ यू नो मार्क्स assignment or presentation for him or her. So this is called authorship plagiarism.
So there are different types of plagiarism, which I've already mentioned. So these type things one should very carefully avoid, otherwise he or she will be in deep, deep trouble. So plagiarism zindagi, agar koi plagiarize karta hai, toh yaad rakhiyega wo zindagi par uska taakub karta hai, aur bahut sare cases mein kaafi arse baad bhi plagiarism sabit hone par unki degree jo hai wo cancel ki gayi, unka program cancel hua, unki jobs gayi hain, aur many they have faced great loss. So you can say you they have had great loss. So inko in tamam cheezon ko aap jo plagiarism ka handout hai aur jo previous lectures usme details mein dekh sakte hain. How important is it to avoid plagiarism? Plagiarism se bachana kitna zaruri hai, kitna aim hai? So plagiarism is considered to be a violation of academic integrity and a breach of journalistic ethics. To ye akhlaqi taur pe bhi bahut buri cheez hai aur ye academic integrity ko khatam violate karti hai. To isse bachna chahiye, bahut zaruri hai. It is subject to sanctions such as penalties. Isse aapko koi sazae maut nahi hogi, na hi aapko jail ho jayegi. बल्कि क्या है कि आपको पेनल्टीज, आप पे जुर्माना लग सकता है, आपको सस्पेंड किया जा सकता है फ्रॉम योर स्कूल, फ्रॉम वर्क और फ्रॉम एनी यू नो ऑर्गेनाइजेशन, और सब्सटेंशियल फाइंस एंड इवन इनकार्सरेशन वगैरह. मीन्स दिस काइंड ऑफ पनिशमेंट्स कैन बी गिवन टू यू. सो दैट इज व्हाई अवॉइड. एंड दिस इज द वर्स्ट थिंग अमंग देम इज दैट आपकी पूरी आपका पूरा करियर जो है वो ख़त्म हो सकता है और वो ख़राब हो सकता है. So that is why one should avoid plagiarism. Plagiarism को simple English और simple simple जिसकी meaning वो ये है कि नकल करना, किसी के काम को चुराना और उसको अपने नाम से पेश करना, this is called plagiarism. तो exams में भी students बहुत ज़्यादा plagiarism कर रहे होते हैं, तो उनको उससे बचना चाहिए. Cheating को भी मैं इस category में दाखिल करता हूँ, क्योंकि उसमें भी आप किसी से कुछ चोरी करते हैं, देखते हैं और उसके बाद उसको लिख रहे होते हैं, so this is also plagiarism. So avoid all these things. Because there is zero tolerance for cheating in the exams and there is zero tolerance for plagiarism. Thodi bahut agar assignment aur inki assignments ho gaye ya research papers ya kuch is tarah ki cheez aapko di gayi hai to usme thodi bahut to chal jati hai, lekin agar wo thodi bahut se 10 to 15% ya 16-17%, but if it is more than this then there is a serious matter. So it is a serious ethical offense. Ye bahut hi serious akhlaqi jo hai jurm hai. If you have any question regarding this, you can ask me. Next one is metonymy. Metonymy is again a very important thing that we have to study in semantics. As I told you, semantics deals with meanings. Semantics ka taluq meaning se hota hai. So meaning is everywhere. You know, not only do words or sentences or phrases convey meaning, but even our gestures, body language, even objects, they all symbols, they all convey meaning. So meaning is something that can be conveyed by any means, right? So that is why semantic has very broad meaning. So metonymy is what? The relatedness of meaning found in polysemy. Relatedness in meaning found in polysemy is essentially based on similarity, similar meanings. So the head of a company is similar to the head of a person on top of and controlling the body. So head can be of a company and head also can be a of a person. Dono surat mein top hoga.
कंपनी का भी टॉप होगा और बॉडी का भी टॉप पार्ट जो है वो हेड होगा. सो हेड इंडिकेट्स व टॉप पार्ट ऑटोनॉमी. सो देयर इज अनदर टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स बेस्ड ऑन सिंपली ऑन अ क्लोज कनेक्शन इन एवरीडे एक्सपीरियंस. तो ये एवरीडे एक्सपीरियंस में भी जो है वो आता है. जैसे मिसाल के तौर पर हम मैंने कहा कि मैं जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें बॉटल और वाटर, कैन और जूस. तो उसने कहा कि यार इसने एक बोतल पी ली. बोतल पी ली से मुराद ये नहीं कि उसने बोतल बोतल तो ज़ाहिर है कांच की होती है, वो थोड़ी कोई पी सकता है. बोतल पी लेने से मुराद ये है कि बोतल के अंदर जो सॉरी जो लिक्विड था वो उसने पिया. तो हम क्या कहते हैं मेटोनिमी का इस्तेमाल करते हुए, हम कहते हैं कि ही हैज़ ड्रंक टू बॉटल्स और ही हैज़ ड्रंक वन ग्लास, राइट. सो वन ग्लास मीन्स वन ग्लास ऑफ वाटर. And similarly, he is drinking a can. Can here means we are talking about the liquid that is in that particular can. A whole part relation, car, wheels. This is normally कहते हैं उसके पास four wheels है. Four wheel doesn't mean that he is only having four wheels. No, four wheel means here we are talking about car. So car के लिए इस्तेमाल करते हैं four wheels का. वाटर के लिए बॉटल का इस्तेमाल करते हैं, जूस के लिए कैन का इस्तेमाल कर लेते हैं. एंड रूफ, जैसे हम कहते हैं कि यार उसके पास रहने के लिए छत नहीं है, तो छत के नीचे थोड़ी कोई रहता है. छत से मुराद यहाँ पर घर है. ये जो इस्तेमाल किया हमने इस्तेला छत का, तो ये मेटोनिमी कहलाती है एंड इट इज़ वेरी कॉमनली यूज इन एवरी डे लाइफ. सो दैट क्लोज कनेक्शन कैन बी बेस्ड ऑन अ कंटेनर कंटेंट्स रिलेशन, होल पार्ट रिलेशन और अ रिप्रेजेंटेटिव सिंबल रिलेशनशिप बिटवीन like king, crown, the president, the white house, the white house ne kaha, white house thodi kaha, white house se murad hai the president has said this thing. So we when we use metonymy, so we say the white house has said this thing. Using one of these words to refer to other is an example of metonymy. So when we use one of these words to refer to the other, so it is called metonymy. So metonymy is also very commonly used in our everyday life and it is very commonly used in literature. Or literature mein bhi iska bahut aam istemal hota hai. Any question regarding this? After metonymy, you can see some examples of metonymy, like जो पहले भी आपको बता चुका हूँ और you can collect many other examples on your own. आप अगर थोड़ा गौर करेंगे तो इनशाला you will be able to find many examples on your own. बहुत सी examples आपको खुद भी मिल जाएंगी. The pen is mightier than the sword. अब pen से मुराद क्या है आप समझ चुके होंगे, sword से मुराद क्या है वो भी आप समझ चुके होंगे. So the pen is mightier than the sword. फिजिकली अगर आप देखेंगे तो स्क्वाड इज माइटर देन पेन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर वर्ड राइटिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ राइटिंग. सो द पेन इज रिप्रेजेंटिंग हियर राइटिंग, राइटर्स यू नो इमेजिनेशन, राइटर्स पावर ऑफ राइटिंग. तो यहाँ पे ये इससे मरा दें तो वो स्क्वाड से ज़्यादा जो है वो ताकतवर है, क्योंकि राइटर पूरी दुनिया के लास्ट का स्वार्ड से आप उसी शख्स को मुतासिर कर सकते हैं जिससे आप लड़ रहे हैं. आई एम रीडिंग शेक्सपियर, शेक्सपियर हियर डजंट मीन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट शेक्सपियर यू नो बॉडी, आई एम टॉकिंग अबाउट शेक्सपियर वर्क्स. तो बजाय से कहने की आई एम रीडिंग द ड्रामा ऑफ शेक्सपियर और आई एम रीडिंग द पोएम ऑफ शेक्सपियर, सिंपली आप कहते हैं आई एम रीडिंग शेक्सपियर. सो इट इज द यूज ऑफ मेटोनिमी, इट शोज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर. वॉल्स एवियर्स ये भी बता चुका हूँ, इस तरह से आप बहुत सारे खुद भी जमा करवा सकते हैं. वॉल्स एवियर्स इट डजंट मीन दैट वॉल्स हैव यू नो लिटरली ईयर्स, इट मीन्स दैट स्पीक लाउडली, बहुत स्लो आवाज में बोलो, कोई आपको सुन सकता है और हमें कोई सुन सकता है. तो इसीलिए उर्दू में भी ये मुहावरा बहुत आम है कि दीवारों पर कान होते हैं, यानी कि ऊँची आवाज़ में ना बोलो कोई सुन लेगा. तो ये अंडरस्टूड है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटोनिमी. डमीज एंड ममीज आर सिटिंग इन द क्लास. नॉट डमीज यू नो वेरी वेल
जो नकली होते देखने में असली होते लेकिन होता है वो नकली इंसान की। जो जैसे इफ यू गो टू क्लॉथ मार्केट सो यू कैन सी ओवर देयर डमीज, तो जो लोग वहाँ पे जिनको कपड़े पहनाए होते हैं वो डमीज होते हैं, इंसान डमीज डमीन ह्यूमन बींग्स होते हैं। ममीज मीन्स लाशें, ठीक है, लाशें कुछ नहीं बोलती, खामोश रहती हैं। तो दमीज आर सिटिंग इन द क्लास, इट मीन्स क्लास में जो बैठे हुए दिखने में तो असली लगते हैं लेकिन वो असली नहीं है, दिखने में असली लग रहे हैं लेकिन असली नहीं है, और ममीज यानी कि कुछ बोलते नहीं है। सो दोज हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन द क्लास ओनली कम एंड सिट इन द क्लास फुल टाइम एंड डू नॉट पार्टिसिपेट, सो सच स्टूडेंट्स आर कॉल्ड डमीज एंड ममीज। नॉलेज इज द बेस्ट वेपन, नॉलेज इज द बेस्ट वेपन। अब नॉलेज कोई वेपन तो नहीं है बट ऑफ कोर्स इट इज यूज एज अ मेटोनमी, सो नॉलेज इज यूज एज द नॉलेज इज द बेस्ट वेपन। आई हैव बॉट अ फोर व्हील, फोर व्हील ऑलरेडी आई हैव मेंशन कि फोर व्हील से क्या मुराद है। व्हाट आर यू डूइंग, ही इज योर राइट हैंड, राइट हैंड डजंट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल हैंड, इट मीन दैट ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर यू। इम्पोर्टेंस ऑफ मेटोनमी, मेटोनमी की अहमियत क्या है। जो सेंस एसोसिएटिव एंड रेफरेंशियल थिंकिंग आर सो नेचुरल टू अस, मेटोनमीज कैन बी फाउंड एंड अंडरस्टूड फ्रीक्वेंटली इन एवरीडे लैंग्वेज लिटरेचर एंड पॉप कल्चर। तो एसोसिएटेड मीनिंग्स और रेफरेंशियल जो थिंकिंग है इतनी आम है हमारी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में। सो मेटोनमीज यू नो दिस पर्टिकुलर थिंग यू कैन फाइंड वेरी फ्रीक्वेंटली इन एवरीडे लैंग्वेज लिटरेचर एंड इन पॉप कल्चर। मेटोनमीज अलाउ फॉर ब्रेविटी बाय रिप्लेसिंग लिस्ट विद एन एसोसिएटेड कैटेगरी। तो आप अगर चाहते हैं कि अपने जो आपका आपकी तहरीर है या आपका जो बोलना है वेदर स्पोकन और रिटन, इफ यू वांट टू मेक इट शॉर्ट, ब्रेविटी मतलब इख्तिसार, इफ यू वांट टू मेक इट ब्रीफ, सो यू कैन रिप्लेस दोज लिस्ट विद एसोसिएटेड कैटेगरी। तो आप उससे एसोसिएटेड जो वर्ड्स हैं वो उसके साथ उसको रिप्लेस करके यू कैन हैव ब्रेविटी एंड यू कैन ऑल्सो कन्वे द मीनिंग्स इन अ वेरी इजी मैनर। Metonymy summarize complicated processes or programs with shortened phrases. So complicated processes or programs can be summarized with shortened phrases with the help of metonymies. Metonymies emphasize the most important and defining characteristics of a subject. Remember the most important and defining characteristics of a subject such as मार्गरीटा फॉर अ मार्गरीटास पिज़्ज़ा, ठीक है। तो इस तरह से मैकडोनल्ड जा रहा हूँ, मैकडोनल्ड से मुराद ये थोड़ी है कि आप किसी शख्स के बारे में, मैकडोनल्ड मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट अ रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं। तो आप बजाय कि आई एम गोइंग टू द मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट, जस्ट सिंपली से सिंपल सिंपली यू कैन से आई एम गोइंग टू मैकडोनल्ड, इट विल बी सफिशेंट। So if you have any question, you can ask me. How do you understand wordplay? Now, wordplay again a very important thing related to semantics. Wordplay. So, wordplay. What is wordplay? It is also called play on words. It is the clever and witty use of words and meaning. Clever and witty use of words and meaning. यानी कि आप when we use words very cleverly. When we use words
cleverly and witty, wittily means with wit. So such use of words and meaning is called wordplay. It's very common in every language. Her language may be both aam hai. It involves using literary devices and techniques like consonants, assonance, sometimes sounds, sometimes spelling. We make some changes in spellings, sometimes, you know, changes in sounds, alliteration, onomatopoeia, sometimes rhyme, acronym, sometimes we use pun, and sometimes slang. And there are many others. So to form amusing and often humorous written and oral expressions. With the help of all these, what do? We form amusing and often humorous written oral expressions. Using wordplay techniques means it depends on several different aspects of rhetoric, like spelling, phonetics, like sound and pronunciation of words, and semantics, like meaning of words. So these are different things which are used there. If we see examples, we can find, do you take interest in interest? Now here, playing with word interest. Interest is used in interest. This word interest has been used twice in this sentence with different functions. Sorry, with different meanings. First meaning is, what do we call in Urdu, dilchaspi? Second meaning is sood. So do you take interest in interest? Kya aapko sood mein dilchaspi hai? Ab jo hai iski ek meaning, jo pehli meaning zehen mein aati hai, wo ye hai ki aapko interest mein interest dilchaspi mein dilchaspi hai. Agla sun ke ajeeb se feel karega, lekin uski dusri jo meaning hai wo ye hai. So we are playing with words. We are here playing with words. Can you can as a canner can again. Now this is a tongue twister, as you can see, with the help of sounds, one word that has been repeated here many times, a very interesting sound has been created, and this is normally given as a tongue twister to students. So can you can as a canner can again, so ye bhi word play ki ek type hai. He is calling me a doctor. इसकी भी यहाँ पे यू नो डबल मीनिंग है. यू आर प्लेइंग विद वर्ड एम्बिग्विटी भी यहाँ पे क्रिएट हो रही है. इज कॉलिंग अ डॉक्टर मीन्स एक मतलब इसका ये है कि वो मुझे डॉक्टर कहकर पुकार रहा है और दूसरा वो मेरे लिए डॉक्टर को बुला रहा है. अब इसमें कौन सी मीनिंग जो है वो होगी नहीं. सो इट इज समथिंग दैट कॉन्टेक्स्ट विल टेल. इज कॉलिंग अ डॉक्टर, ये भी वर्ड प्ले की एक टाइप है. एम्बिग्विटी क्रिएट हो रही है एंड ऑफ कोर्स थिंग्स आर नॉट क्लियर हियर. देयर आर टू मीनिंग्स. पन का इस्तेमाल भी हुआ है. हाउ डू यू डू व्हेन यू मीट समबडी एल्स फर्स्ट टाइम? सो यू कैन से हाउ डू यू, इट्स वेरी फॉर्मल. हाउ डू यू डू, जवाब दे इसका. हाउ डू यू डू, पहले आपने किसी का हाउ डू यू देखा, आई डोंट डू एनीथिंग. हाउ डू यू डू, आई डोंट नो हाउ आई डू, वो ये जवाब दे दे. सो व्हाट प्ले, हाउ आर यू, तो से आप थोड़ा प्रोनाउंसिएशन चेंज करके हवारी है. हवारी है, हवारी है, इट मीन्स क्या हवा आ रही है भाई. तो आप उससे कहते हवारी है, बोलेगा आ रही है, बोलेगा भाई पूछ रहे हवारी है. हवारी मीन्स हवार यू, क्यों कैसे आप. तो जल्दी में हवार यू कह दिया. तो आपने क्या किया, थोड़ी सी उसके प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अच्छा खासा प्रोनाउंसिएशन चेंज किया, तो वो वर्ड प्ले बन गया. He's a mango man. Mango man, mango here means आम आदमी, आम. तो हमने क्या किया, वो mango आम वाला mango इसमें डाल दिया. Playing with words. Are you a mango man? No, I'm not a mango man. So mango man doesn't mean here it means ordinary man. Bullets are walking in the president. ये एक बहुत ही आम सी मिसाल है. Bullets are walking in the president.
इसका अगर हम उर्दू तर्जमा करेंगे इसका तो मतलब, तो उसका मतलब ये बनेगा कि सदर में गोलियां चल रही हैं। ठीक है, तो हमने वर्ड प्ले किया कि हमने इसको लिटरल, बिल्कुल लिटरल कर दिया, तो वो बुलेट्स गोलियों कहते हैं, वॉकिंग चलने को कहते हैं, प्रेसिडेंट सदर को कहते हैं, इन में बुलेट्स आर वॉकिंग इन द प्रेसिडेंट। थ्रो योर बॉडी ऑन द सोफा, थ्रो योर बॉडी ऑन द सोफा, तो यानी कि सोफे पर रिलैक्स हो जाए। तो आपने कहा थ्रो योर बॉडी, तो थ्रो योर बॉडी मीन्स पुट योर सेल्फ ऑन द सोफा। सो यू आर प्लेइंग विद वर्ड्स, इट इज एक्चुअली टू क्रिएट ह्यूमर, वी यूज, यू नो, वी आर यूजिंग इट हेयर लाइक दिस, इन दिस मीनिंग। सो वर्ड प्ले डेफिनेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दिस पर्पज यू नो वी यूज, यू नो, पॉलीसिमी, एक्रोनिमी, डिफरेंट वेज, अलिटरेशन, असोनेंस, इडियम्स, पन, स्पेलिंग, राइम, दे ऑल कैन बी यूज फॉर वर्ड वर्ड प्ले पर्पज। इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्ड प्ले, इसकी अहमियत क्या है? सो वर्ड प्लेस यूज एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड जॉक्स एंड ह्यूमर। सो द यूज ऑफ वर्ड प्ले एक्सटेंड, यू कैन लाइक दिस, द यूज ऑफ वर्ड प्ले, the use of word play extends far beyond jokes and humor. It makes language more unique, more interesting, and more witty and amusing than using standard words and phrases. Again, word play makes language more unique, more interesting, and more witty and amusing than using standard words and phrases. It has had a very important role in rhetoric going as far back as the classics of literature and philosophy. So from Plato to Shakespeare to Mark Twain, you'll find the use of wordplay. You'll find the use or role of wordplay. In all languages and cultures, you'll find that it is a huge part all over the world. So it is used not only by talented writers, sirf iska istemal talented writers or speakers hi nahi karte aur ya storytellers hi nahi karte, but all people of all ages use wordplay. So hum agar ye soche ke sirf writers or speakers ya or storytellers ka istemal karte to ye bilkul galat hoga. All people generally use wordplay. All people of all ages, but writers and speakers and storytellers, they know wordplay very well, and they use it according to their purpose deliberately. All people, you know, sometimes use deliberately, sometimes they, उनको पता भी नहीं होता, वो इस्तेमाल कर जाते हैं word play, they play with words. और इसके लिए आपके पास, you must have command over, you know, vocabulary and language. When children tell jokes, they also use word play. जब बच्चे jokes वगैरह कर रहे होते हैं, so they also use word play. So, in conclusion, जो आज का रिविजन हमने किया इन टू सेशंस,
session number 20, रिमेम्बर पहले भी चीजें करवाई जा चुकी है, ये चीजें जो रिवीजन की है इन दिस टू सेशंस. सो आई हैव गिवन यू द रिवीजन ऑफ प्रीवियस लेक्चर्स एंड स्टूडेंट्स में दिस रिक्वेस्ट टू मी एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम होगी तो हमारा काम है उनको बताना. और रिवीजन इज अ पार्ट ऑफ स्टडी, रिवीजन इज नॉट समथिंग डिफरेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टडी. And through revision, we learn and we refresh our knowledge and we learn many, many things which we may have forgotten, but when it is revised, we learn. Remember, these lectures include some very important topics which students must study properly. In lectures, there are some topics which students must study properly. Why? Because this will improve their everyday written and spoken both English. And remember, you know, there are things, ये तो मैं लिखना mention करना भूल गया कि these lectures include some very important topics which students must study properly in order to bring great improvement in their everyday written and spoken English. Besides this, there are topics which will be covered in the final, or what do we call, terminal exams. Besides this, there are topics which will be covered in the terminal exams of 50 marks as well as in the assignment and as well as in the presentation. तो ये जो रिवीजन है बहुत अहम इस लिहाज से, बिकॉज देर आर टॉपिक्स विच विल बी कवर्ड इन द देर आर टॉपिक्स विच विल बी कवर्ड इन द टर्मिनल एग्जाम्स ऑफ 50 मार्क्स एज वेल एज इन द प्रेजेंटेशन. सो स्टूडेंट्स मस्ट पे मोर एंड मोर अटेंशन टू दिस रिवीजन एंड इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम दे कैन कॉन्टेक्ट मी, दे कैन टॉक टू मी. और मैं फिजिकली भी जो है आता हूँ तो वहाँ फिजिकल क्लासेस वगैरह भी लेता हूँ, उसमें भी स्टूडेंट पूछ सकते हैं मुझसे. और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं. देर आर मेनी वेज टू आस्क क्वेश्चन, देर आर मेनी वेज टू गेट योर प्रॉब्लम सॉल्व, इट्स अप टू यू. ऐसा नहीं कि मसाइल हैं या कुछ पूछना टीचर से मुश्किल है, आसानी बहुत है, लेकिन स्टूडेंट्स पर भी डिपेंड करता है कि वो पूछे तो सही, कम अज़ कम क्लास तो अटेंड करें या रिकॉर्डेड वीडियोज़ को तो देखें, और अगर फिजिकल क्लास होती है उसको अटेंड करें, नहीं ऑनलाइन क्लासेज होती है उनको अटेंड करें. इसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियोस को तो कम से कम देखें अच्छी तरह से. सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी. आखिर में इन दी In the end, I would like to say one thing, that video number 21 and 22, 20 and 21, lecture number 20 and 21, these both are related to dictionary, how to use dictionary in an effective way. So I would like all of you to watch that video at all cost, because that will teach you about dictionary, how to study, how to consult a dictionary, and what are good types of dictionaries, and how can we find them, and how can we use them in a proper manner. So those two lectures will tell you about all these things and will teach you how to consult a dictionary in a proper manner. Because I've found that many students, मैंने देखा कि बहुत सारे students बेचारों के पास dictionary की knowledge ही नहीं सही मानों में, या कोई जो dictionary इस्तेमाल कर रहे हैं वो dictionary उनके काम के नहीं है, छोटे लेवल की डिक्शनरी और उनको चाहिए एडवांस लेवल की. तो ये आपके पास होनी चाहिए इस लेवल पर, ताकि आप सही जगह सही वक्त पर उसको स्टडी करके अपने मसाइल को हल कर सकेंगे. डिक्शनरी अच्छी वाली जो होगी वो बहुत फ़ायदेमंद होती है. एज आई टोल्ड यू दैट इट गिव अस नॉलेज रिलेटेड टू ग्रामर, पार्ट स्पीच एंड मीनिंग्स, तो अपनी जगह देंगी. और ये बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह उन दो वीडियोज़ में आपको उनका पता चल जाएगा, तो उसको लाजमी देखिएगा. वो भी अपलोड जो है वो कर दी गई है, तो उसको भी काइंडली आप देखिएगा.
So with this, I conclude my session. Thank you very much. So.